दीर शिफा पर पहुँचे। ये जो कुआँ है ना, ये दीर शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बदर के लिए जंग में तशरीफ़ ले गए थे तो पहले बीर रोहा पे रुके थे, वहाँ पड़ाव डाला था, और यहाँ पर जो आपका क़याम हुआ था इधर आ जाता, और यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापसी में क़याम हुआ था। इस कुएँ के अंदर पानी नहीं था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बताया कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा पानी मंगवाया और उस पानी के अंदर आपने कुल्ली की और वो पानी को जो है इसके अंदर डाल दिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी आ गया ऊपर, और तमाम जो है काफ़िले के जितने सहाबा किराम थे काफ़िले में, वो तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस कुएँ का पानी पिया। तो आज अल्लाह ताला ने हमको इस कुएँ पर पहुँचाया, ये अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फ़जल है और बड़ा शुक्र है। इस पानी के अंदर शिफा बताई जाती है इस कुएँ के पानी में भी, और रोहे बाबे बीर रोहा जो हम वापसी में जाएंगे वहाँ पर भी जो है शिफा, उस पानी के अंदर भी शिफा, उसकी तारीफ इंशाल्लाह वहाँ पर बताएंगे। आना तो हमको वहाँ से, लेकिन वहाँ पर भीड़ होने से ड्राइवर साहब ने पहले यहाँ लाया हमको, ताकि हमारी नमाज मस्जिद नबवी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमको नमाज मिल जाए। कोशिश इस बात की हम कर रहे हैं। देखिए ये दोनों कुएँ का पानी, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। सबसे बेहतर पानी आबे जमजम है, और ये दो कुएँ का पानी, इसको आबे शिफा कहते हैं। दारुल उलूम देवबंद से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये बताया कि इसकी कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है, लेकिन इस पानी के पीने से बहुत से बीमारों को शिफा मिली है, और ख़ुद उस दौर में एक सहाबी को पथरी की बीमारी थी, किडनी स्टोन होता है ना, पथरी की बीमारी थी, उनको पानी पिलाया गया तो उनको बीमारी से शिफा मिली है। और भी बहुत से सहाबे किराम की मुख्तलिफ रिवायतों में ये कुएँ के पानी पीने से शिफा मिली है। तो दारुल उलूम देवबंद से ये फतवा उसका बताया गया कि इसकी कोई मुस्तनद रिवायत तो नहीं है, लेकिन इसके पानी के पीने से अगर शिफा मिलती है तो इसके पीने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये मुकद्दस और बाबरकत पानी है, लेकिन सबसे बाबरकत पानी जमजम है, ये उसके बाद है, उसके जो है शिफा हो रही है, तो शिफा होने में कोई हर्ज की बात नहीं है। आप हजरात इत्मीनान से देखे पानी लें और फिर फौरन गाड़ी में बैठे, हमको रवाना होना।
Thank you.